कैसा लगता है जब किसी की जिंदगी को बचाने में आपका भी हाथ हो? कैसा लगता है जब किसी के घर का चिराग, किसी के घर का अहम सदस्य, किसी का परिवार आपकी वजह से सांस ले? एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है और हम भी ऐसी ही एक कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। आप कभी सड़क से गुजर रहे हों और एक भयंकर एक्सीडेंट आपने सड़क पर होते देखा। उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति के शरीर का बहुत सारा खून बाहर निकल गया और उसकी बॉडी में खून की बड़ी कमी हो गई। या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के शरीर में हर टाइम इंटरवल में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जानते हैं कि अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो कितनी तकलीफ ना सिर्फ उस व्यक्ति को होती है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, बल्कि उसके पूरा परिवार, उसके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सब भी इससे सफ़र करते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, जिस खास पेशकश में हम आपको उन हीरोज़ से मिलवाएंगे जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ नहीं हैं, जिन्होंने रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी को बदला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तौर में मनाने के लिए 14 जून का दिन तय किया। ये ABO ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लेंस्टेनर के जन्मदिन के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने और बढ़ावा देने का असल मकसद था कि खून की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे की जरूरत ना पड़े। अब तक करीब 39 देशों ने ही इस पर अमल किया है। WHO के मुताबिक भारत में सालाना 1 करोड़ यूनिट खून की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध सिर्फ 75 लाख यूनिट ही है। यानी करीब 25 लाख यूनिट खून की कमी के कारण हर साल सैकड़ों मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की हो तो यहाँ हर साल 350 लाख यूनिट खून की जरूरत है, लेकिन अब हम इस आंकड़े से काफी दूर हैं। जो हाल राजधानी दिल्ली का है, अन्य राज्यों में तो इससे भी बुरा हाल है। भारत में ब्लड डोनर्स का आंकड़ा कुल आबादी का 1% भी नहीं पहुंच पाया है। ये जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम दुनिया में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें कि आखिर किसी की जिंदगी कैसे बचाई जा सकती है, ब्लड डोनेशन कैसे किया जा सकता है। और ये खास दिन उन लोगों के लिए भी मनाया जाता है जो वाकई में ब्लड डोनेट करके किसी की जिंदगी के रियल लाइफ हीरोज बनते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल एक थीम पर काम किया जाता है। साल 2010 में जहां इस थीम का नाम था न्यू ब्लड फॉर द वर्ल्ड, ऐसे ही साल 2011 में मोर ब्लड मोर लाइफ, 2012 में एवरी ब्लड डोनर इज अ हीरो, 2013 में गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ डोनेट ब्लड, 2014 में सेफ ब्लड फॉर सेविंग मदर्स, बीते साल 2015 में थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ, और साल 2016 की इस साल का थीम है ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। लोगों को कितना पता है कि ब्लड डोनेशन आखिर क्यों जरूरी है, या फिर ब्लड डोनेट करने के बाद क्या बॉडी में किसी तरह की कोई वीकनेस आती है? यही हमने जाना लोगों से और उनसे बात की ब्लड डोनेशन के बारे में। ब्लड डोनेशन क्या है आपको मालूम है? ब्लड डोनेशन यही है कि किसी के जान बचाने के लिए किसी के काम आता है और शरीर के लिए अच्छा होता है ब्लड डोनेशन करना। आपने कभी किया है? हाँ, मैंने किया है। लोगों को जो गलत फहमियाँ हैं ब्लड डोनेशन के बारे में? लोगों को यही है कि लोगों डर लगे, लोगों अपना कोई खून देता, लोगों लगता है कि किसी कोई बीमारी ना हो, तो इसलिए लोग आजकल घबराते हैं। क्या फ़ायदा होता है ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन से मैम एक तो अपना शरीर बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि हम डोनेशन कर देते हैं और थकावट होती है या कमज़ोर आती है, ऐसा कुछ नहीं है शरीर में। दूसरों को देने से दूसरों की हेल्प होती है उससे। हमारे उससे किसी को फ़ायदा होता है तो उसको जरूर करना चाहिए बिल्कुल। जब आपने पहली बार दिया उससे पहले आपके दिमाग में भी कुछ था ऐसा? नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ी घबराहट सी थी, पर ऐसा बाद में ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और मुझे देख के बड़ी खुशी महसूस हुई कि ये तो मुझे हर 6 महीने बाद देना चाहिए। तो अच्छा, ब्लड डोनेशन आपने कभी किया है? कभी नहीं। कभी नहीं किया, क्यों? एक बार हम जब हमारे भाभी बीमार थी तब हमने भाभी को दिया था। आपने तब दिया था? दिया था, अब छोटे से थे हम, करीबन करीबन 8 साल पहले की बात। कितनी उम्र हो गई जब? हमारी उम्र थी करीबन 24 के लगभग। तो बस एक ही बार दिया था? जी।
तो कोई कमजोरी तब महसूस हुई? नहीं नहीं, हमारे कोई कमजोरी महसूस नहीं, अब भी कोई कमजोरी महसूस होती है हमारे। उसके बाद कभी देने की सोची नहीं? नहीं नहीं, कभी किसी ने मांगा ही नहीं, और मांगा तो हम दे देंगे, कभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा, अगर कोई मांगेगा तब देंगे? हाँ। खुद जाकर कभी आपने ये नहीं कोशिश की कि आप ब्लड दे आए? नहीं, कभी ऐसा महसूस भी नहीं किया, अगर टाइम नहीं मिलता कुछ ऐसा भी है कुछ। ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूकता लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी लोगों को ब्लड खरीदना पड़ता है। जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। एक्सीडेंट, डिलीवरी, ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया जैसे रोगों से पीड़ित लोगों के शरीर को बार बार खून की जरूरत रहती है। बहुत से लोग ब्लड दे तो देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि जब वो ब्लड जाता है ब्लड बैंक में तो सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया नहीं जाता, लेकिन ये भ्रम आज हम आपका तोड़ेंगे। हम आपको ब्लड बैंक लेके चलते हैं, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है और कैसे आपके दिए हुए ब्लड को स्टोर किया जाता है, चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको। ब्लड बैंक किस तरह काम करता है, आपकी डोनेट हुए ब्लड को कैसे जरूरतमंदों को दिया जाता है, आपके जहन में भी ऐसे बहुत से सवाल होंगे, इनके जवाब जानने हम भी पहुंचे ब्लड बैंक। इस वक्त गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के बाहर हम खड़े हैं, अंदर चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर ब्लड बैंक में काम कैसे होता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो यहीं पर उस ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, और कितनी देर स्टोर किया जाता है, क्या क्या टेस्ट उन ब्लड के होते हैं, कैसे उन्हें स्टोर किया जाता है, चलते हैं ब्लड बैंक में आपको बताते हैं। लेकिन इसके बाहर देखिए, रक्तदान कीजिए, जीवन दीजिए, ऐसे बहुत से पोस्टर्स आपको ब्लड बैंक के अंदर दिखाई दे जाएंगे, और ये पोस्टर्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप ब्लड डोनेट करेंगे नहीं तब तक ब्लड बैंक में ब्लड आ नहीं पाएगा, और जिन लोगों को उस ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी वो लोगों को ब्लड मिल भी नहीं पाएगा। ब्लड बैंक के अंदर बहुत से पोस्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक पोस्टर है, डोनेट ब्लड, इट्स सेफ, इट्स सिंपल, इट सेव्स लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि ब्लड डोनेट करना, इट इज़ वेरी सेफ। रेड क्रॉस यूजुअली अपने कैंप्स वगैरह लगाता है, और जितने ब्लड डोनेशन कैंप्स हो सकता है उतने उनको अटेंड करूंगा, लोगों को उत्साहित करने का प्रयास करूँगा। देखिए, जब भी हम किसी के जान बचाते हैं या किसी भी तरीके का हम सेवा देते हैं तो फिर एक अलग तरीके का एक आनंद आता है। मैं हर बार मैं ये ब्लड डोनेशन देखे, मैंने इसको आई हैव फेल्ट इट, तो फिर मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ब्लड डोनेशन कीजिए। देखिए, मेरे अपने बेटा है जो है वो बी नेगेटिव है, तो फिर मुझे भी कभी काम आ सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तन मन धन से इस काम में अपने आप को। अंदर चलते हैं ब्लड स्टोरेज रूम में, यही ब्लड स्टोरेज रूम है जहाँ पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, जो बहुत से लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पर हैं, जब ब्लड कोई डोनेट करता है तो यहीं पर उन्हें रखा जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा अनटेस्टेड फ्रिज है जिसके अंदर हम लोग अनटेस्टेड ब्लड, जो जैसे डायरेक्ट हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं वो हम लोग इस अनटेस्टेड फ्रिज के अंदर रखते हैं, और उसको हम लोग एलाइसा टेस्ट लगाते हैं, उसके HIV, HBSCG, HCV, VDR, MP ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर जा सकते हैं, वो हम लोग उसको कैरीफाई करते हैं, कोई पॉजिटिव होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है और नेगेटिव्स को हम लोग पेशेंट को चढ़ा देते हैं। ठीक है, अनटेस्टेड से हम लोग जब हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं एलाइसा, उसके बाद हम लोग टेस्टेड फ्रिज में रखते हैं इस तरीके से। ये हमारा ब्लड, और हम इसको 35 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कुछ सेट टेम्परेचर होता है इन रेफ्रिजरेटर्स का, क्या टेम्परेचर पे रखते हैं हम? लोग 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, 2 से 6 डिग्री, हाँ जी 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं हम लोग, और उसको 35 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नैना जी, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन रहती है कि उनका ब्लड सही जगह पर यूज़ हो भी रहा है या फिर नहीं। मैम, मैडम, ब्लड तो हमारा ये सही यूज़ हो रहा है, हम जो ब्लड जो लेते हैं उनको टेस्ट करके तब देते हैं, हमारी ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तभी हम किसी दूसरे को ट्रांसफ्यूज करते हैं। नहीं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर हमने ब्लड दिया हमारा ब्लड यूज़ होगा भी या नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब ज़रूरतमंद को मिलेगा भी नहीं, ऐसे भी बहुत मिथ हैं सोसाइटी में। मैम, हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे केस आते हैं, गायनी केस आते हैं, जो PPS के केस आते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट केस आते हैं, कैंसर यूनिट है वहाँ ब्लड चढ़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारा जो ब्लड जो देता है वो काफ़ी पेशेंटों को यहाँ यूज़ होता है।
अभी नीचे किसी को ब्लड चाहिए, उन्होंने आज तक से पहले कभी ब्लड डोनेशन किया नहीं है और आपके पास यहाँ पे ब्लड है भी नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे आप फुलफिल करते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल से भी डिमांड आती होगी? प्राइवेट से भी आती है, अपने जीएच से भी आती है डिमांड। ठीक है, पहले हम लोग अपने सरकारी को पहले प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग आते हैं। ठीक है, उन लोगों को ब्लड जल्दी से इजीली नहीं मिलता है, बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ब्लड का। ठीक है, और हमारे पास अगर ब्लड नहीं है तो हम उनको रेड क्रॉस सोसाइटी में भेजते हैं। वो अवेयरनेस कहाँ तक पहुँच पाई है? मैम, अवेयरनेस तो हो रही है बट जिस तरीके से होनी चाहिए अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं कि ब्लड देने से अभी भी लोगों को लगता है कि हमें वीकनेस आ जाएगी, हमें कमजोरी आ जाएगी। हमारी मदर्स बोलते हैं नहीं नहीं बेटा ब्लड डोनेशन नहीं करना बिल्कुल भी। लड़कियों के केस में ये ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फिट भी नहीं रह पाती हैं और जब वो ब्लड डोनेशन के लिए जाती हैं तो फिर सोसाइटी भी रोकती है, फैमिली भी रोकती है कि नहीं ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ है, मेल्स के साथ भी, दोनों कैटेगरी सेम होती हैं। जिसे करना है, जिसने मन बना लिया है कि मुझे डोनेशन करना है तो मैं करूँगी। ब्रेक के उस पार हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो भगवान तो नहीं है मगर हाँ किसी और के लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। आखिर कौन है वो लोग, दिखाते हैं आपको इस ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत किसी और की जिंदगी बच पाई है। क्योंकि खुद के लिए तो सभी जीते हैं लेकिन ये लोग दूसरों के लिए भी जीना चाहते हैं और उसी वजह से इन्होंने ब्लड डोनेशन किया और इनकी बदौलत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, उनको ब्लड मिला भी और वो बिल्कुल हेल्दी है। चलिए, ब्लड डोनेशन को लेकर अगर आपके जहन में कोई गलत फहमी है तो हम इन सभी को दूर कर देते हैं। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में हैं और यहाँ पर एक युवा पीढ़ी जो आजकल जिसके कंधों पर पूरा दारोमदार है, और कहते हैं कि यूथ अगर कुछ करते हैं तो वाकई में यूथ का सपोर्ट मिल जाए उस काम में तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये 21 साल के युवक हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस वक्त, हम इनसे ही बात कर लेते हैं और आपको ये पूछवा देते हैं कि इनको क्या किसी भी तरीके की कमज़ोरी महसूस हो रही है? आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पवन नाम है जी मेरा। पवन, फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी। सो इससे पहले आपको लगता था कि ब्लड डोनेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी जैसा कि सोसाइटी में सब बोलते हैं? डर लगता था इस वजह से। डर लगता था, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अब कुछ डर है? अब तो नहीं है जी। नहीं है नहीं। कुछ वीकनेस हो? कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं। ब्लड डोनेशन का कैसे सोचा आपने? किसी की मदद हो जाए जी, किसी के काम आ जाएगा इसीलिए जी कर देते हैं। इससे आप रेगुलरली करेंगे? जी रेगुलरली करेंगे जी। कुछ भी नहीं होता, अभी 15 मिनट बाद आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, फ्रेश फील करोगे। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि लेडीज को भी आगे आना चाहिए, देना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड का फोन आया कि ब्लड कैंप लगा हुआ है, आप डोनेट करना चाहेंगे, मैंने कहा ये साहब मेरे को घर से आके ले जाओ, मैं देना चाहूँगी। मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, मेरे ख्याल से मेरी 21st टाइम है जब मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, 21वीं बार है मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। महिलाओं की भागीदारी कम होने का रीजन मुझे भी समझ में आता नहीं है कि क्यों कम है। इनफेक्ट महिलाएं आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ऊपर जा रही हैं, तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि वो इस चीज़ में आगे आएं और अपना भी सहयोग दें इन चीज़ों में और इन चीज़ में भी आगे बढ़ें अगर बाकी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। खून देते समय कोई दर्द नहीं होता, ब्लड डोनेशन करने में 5-10 मिनट का समय लगता है। खून देने के बाद आप सभी काम सामान्य रूप से कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन करने पर शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होता। लोगों का माइंड सेट रहता है, उन्हें लगता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे। बॉडी में कितना HB ब्लड होता है कि वो डोनेट कर सकते हैं? हमारे बॉडी के अंदर एडिक्वेट ब्लड होता है, 5-6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में रहता है और जो ब्लड लिया जाता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में लिया जाता है जिसका उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है और विदिन 2 आवर्स बॉडी उसको कवर कर लेती है। 2 घंटे के लिए हम उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और 24 घंटे बाद तो वो लगभग पूरा ब्लड इक्वल बन चुका होता है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं रहती है। जो भी भावनाएँ हैं जो वो सब साइकोलॉजिकल हैं, जो भी एक्सपीरियंस है वो सब साइकोलॉजिकल है। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी मुझे, मैंने 1 यूनिट डोनेट कर दी है, मैं 1 यूनिट अभी साथ साथ दूसरी डोनेट करना चाहता हूँ, और बहुत लोग इकट्ठी यूनिट डोनेट करते भी हैं जी। मैंने भी ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप, जिन्होंने कभी ब्लड डोनेशन के बारे में सोचा तक नहीं है, और ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो 40-50 बार भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी ब्लड डोनेशन को लेकर आगे आएँ। तो दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं?
सिर्फ समाज के अंदर एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है जो कि खाली विभाग अकेला नहीं चला सकता है, समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और वो मीडिया के माध्यम से भी संभव है और उसके लिए हम लोग सामाजिक संस्थाएं भी आगे आएँ कि लोगों के अंदर जो ज़रूरतमंद को, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसका कोई और सोर्स हो ही नहीं सकता, और सब चीज़ हो सकती है, कोई दवाई दे के काम चल सकता है, लेकिन ब्लड का अल्टरनेटिव तो ब्लड ही हो सकता है और वो भी क्रॉस मैच करके प्रॉपर तरीके से ही दिया जाएगा। दरअसल 18 से 65 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से अधिक है, पीलिया, मलेरिया, शुगर, एड्स आदि बीमारियों से पीड़ित नहीं हो, जिसने पिछले 3 महीने से ब्लड डोनेट नहीं किया हो, शराब या नशीली दवा ना लेने वाला कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ब्लड डोनेट किया है। प्रिया मेहता, जिन्होंने करीब 30 बार ब्लड डोनेट करके बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। अब प्रिया, आपने फर्स्ट टाइम शुरुआत कहाँ से की ब्लड डोनेशन की? मैंने ये मार्च 2010 में शुरुआत की थी, जिस वक्त मेरे खुद के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे तब रियलाइज़ हुआ था कि हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, तो कई बार ब्लड बैंक से हमें ब्लड नहीं मिल पाता, तो तब हमने रेडियो एंड न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था एंड जिससे कि हमें पता चला कि देर इज़ एक और रास्ता है जिससे कि हमें पता चल सकता है कि यहाँ से आप ब्लड पा सकते हैं अगर आपको ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि उस समय वो जो अंकल मेरे पास आए थे उनकी वाइफ थी वो, जो कि मतलब जो बिल्कुल ही ठीक हो गई कुछ दिनों के बाद, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये मतलब मैं एक रीज़न बन सकी कि वो ठीक हो सकी मेरे ब्लड के कारण में भी। ब्लड एक्चुअली डोनेट करना कहाँ है, अगर वो करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते क्योंकि शायद नॉलेज नहीं होती, तो वो नॉलेज आपने बताया इंटरनेट से हासिल की? यस, आप मतलब ब्लड बैंक में जाकर ब्लड दे सकते हैं, दैट इज़ एक रास्ता है ब्लड देने का। दूसरा है कि आप अपना नंबर रजिस्टर करा दीजिए, अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करा दीजिए, तो आजकल ज़्यादातर लोग जागरूक हैं, वो इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ ये कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरे पास आज तक कॉल्स आती हैं। आज आपका दिन है, आज पूरी दुनिया आप लोगों को सलाम करे क्योंकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच पाई है और ऐसे बहुत लोग नहीं हैं इंडिया में। हाँ, मेरा मैसेज लोगों को यही है कि अगर कुछ मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि आप दुनिया में लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, मुझे ये एक तरीका मिला, और भी कई सारे तरीके हैं जो मैं अपने जीवन में अमल करती हूँ, लेकिन ये एक तरीका है जो मैं अपने मतलब जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आप किसी को ज़िंदगी देने के लिए अपना रक्त देते हैं तो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता, तो आप भी ज़रूर करके देखिए। प्रिया ने भी किया है, करीब 30 बार कर चुके हैं और बिल्कुल फिट हैं, आप भी करेंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे, इतनी गारंटी हम तमाम हीरोज से मिलके आपको दे रहे हैं। हमने इनसे वो तमाम सवाल किए जो शायद आपके दिल में भी हों। टीवी में आप हीरो हीरोइंस को तो देखते होंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त ये जो लोग मौजूद हैं ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं, ये रियल लाइफ हीरोज़ नहीं हैं, ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं जिन्होंने अपना ब्लड देकर किसी और की ज़िंदगी को बचाया है और आज हम इन्हीं लोगों का दिन मना रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। तो ये तमाम लोग आपके लिए एक मोटिवेशन ज़रूर है क्योंकि इन्होंने बहुत बार ब्लड डोनेट किया है। किसी की लाइफ बच सकती है तो बचाई जाए, और रादर अपने अपने हार्ट के लिए अगर इसकी स्टडी की जाए तो जितना जो जितने टाइम्स ज़्यादा ब्लड डोनेट करता है, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स यू कैन डोनेट ब्लड, और ये आपके अपने हार्ट के लिए हेल्दी रहता है। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ थी लोगों में कि भाई ब्लड देने से हेल्थ ख़राब हो जाती है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और खुद लोग आके पूछते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि इससे इतने लोगों की हम जान बचा सकते हैं। आप ब्लड डोनेट आपने भी किया होगा, कैसा महसूस किया ब्लड डोनेट? क्या बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक्चुअली क्या है, उसे मैंने देखा कि जो रिलेटिव थे हमारे बहुत ज़्यादा, हमारे क्लोज रिलेटिव थे, बहुत सीरियस थे वो, यानी कि शी वॉज गोइंग टू डेथ द डाई, मतलब उसके बाद भी जितने ब्रदर वह बहुत क्लोज रिलेशनशिप साथ में थे, लेकिन किसी ने सब इनकार कर दिया। व्हेन आई मतलब केम टू नो कि डॉक्टर बतला रहे हैं कि ब्लड इज रिक्वायर्ड, स्टेट अफोर्ड माई सेल्फ एंड शी वॉज सर्वाइव्ड, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा किसी की जान। ये खुशी किसी की ज़िंदगी को बचाने की ही खुशी है, वरना ये खुशी ये प्राउडली ये नहीं कह सकते थे कि मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बची। ये बिल्कुल फिट हैं, लेकिन कोई और जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था वो बच गया, वो ज़िंदगी अब जी रहा है, बिल्कुल हेल्दी हैं वो। बिल्कुल
वो इनके ब्लड की वजह से, और आपका ब्लड भी ऐसे ही किसी और के काम आ सकता है। ब्लड डोनेशन को लेके लोगों को लगता है कि बीमार हो जाते हैं, कुछ हेल्थ खराब हो जाती है, लगता था इस तरह से। अब लोग जागरूक हैं इस मामले में और खुशी खुशी कहीं कहीं तो खुशी डोनेटर ये कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन के, वहाँ पर खुशी खुशी जा कर के लोग देते हैं। और अपनों के लिए तो सभी देते हैं, अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए लोग ज़्यादा खुशी होती है ब्लड डोनेट करते हुए। आपको पता है कि ब्लड डोनेट करना है और सब करते हैं, ऐसा लगता है? अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, जब जाता हूँ लोगों को इंश्योरेंस बेचने के लिए तो साथ में और भी अवेयरनेस देता हूँ जो ब्लड डोनेट करना चाहिए। जितने भी डोनर्स हैं उन सबको पूरी दुनिया सलाम करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी ना किसी की ज़िंदगी बची है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर दी एक इंसान की वजह से अगर दी एक ब्लड की डोनेशन एक बूंद भी अगर दी किसी के जीव की इंसान के काम आती है तो मैं अपना सौभाग्य मतलब ये समझता हूँ। वैसे 2-3 बार मैं दे चुका हूँ, ज़्यादा बार तो नहीं दे चुका हूँ, बट अंदर ही अपने अंदर खुद के अंदर मतलब एक महसूस ही होती है कि यार मैंने मतलब भी डोनेशन किया है कुछ। पर ईयर डोनेट करता हूँ, किसी को नीड हो या ना हो, पर ईयर ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप पर ईयर बहुत मिलता है, इसलिए खुद हॉस्पिटल जाके मैं देख के आता हूँ। ये लोग पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी ब्लड डोनेशन से पहले। साथ ही ये लोग खुश हैं कि इनका खून किसी की जिंदगी बचाने के काम आया। गंगाराम हॉस्पिटल 93 में मैंने ब्लड डोनेट किया था सबसे पहली बार। उसके बाद तो करीब करीब तब से मैं हर साल साल में एक बार या दो बार तो करता ही। आज सोसाइटी में बहुत लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करना नहीं चाहिए, उससे वीकनेस आ जाती है, बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, या हमारा ब्लड दोबारा बनता नहीं है। कब को लगता है आपको कुछ ऐसा फील हुआ है अब तक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमज़ोरी आती है, और जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके 2 या 4 दिन बाद उसकी पूरी तो हो जाती है शरीर के अंदर। और मैं तो ये कहूँगा कि भी सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप 25 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, आपकी शुरुआत कैसे? मेरी शुरुआत हुई, मैंने जब अपना एक संस्थान में जब नौकरी के लिए ज्वाइन किया तो वहाँ एक सेलिब्रेशन डे मनाते हैं सितंबर में, तो वहाँ ब्लड डोनेट किया जा रहा था। तो सबसे पहले शुरुआत मेरी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ ब्लड देने के बाद छुट्टी होती थी, तो मैंने छुट्टी के लालच में दिया। हाँ, इसे ऐसी शुरुआत हुई, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा तो उसका मैं कंटिन्यू देता। पहले छुट्टी का लालच और अब अच्छा लगता है। हाँ जी, बल्कि हमने तो हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया पिछले 5 साल से, जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाके ब्लड डोनेट करके आते हैं। अपनी एनिवर्सरी पे ब्लड डोनेट करते हैं, ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है एनिवर्सरीज है या बर्थडेज हैं तो बाहर जाके सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं किसी और की ज़िंदगी को बचा के। हम ब्लड देने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, ब्लड डोनेशन के बाद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इससे बड़ा सेलिब्रेशन आपको नहीं लगता? हमें बहुत अच्छा लगता है इससे। दुनिया में भी सबको करना चाहिए, इंडिया में तो आपको मालूम होगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन ब्लड इतना आ नहीं रहा है, डोनेशन लोग कर नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा लगता है, एक बार करके देखें बहुत मज़ा आएगा। आपको भी लगता है सोसाइटी में लोगों को जैसा लगता है कि नहीं फीमेल्स को नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी हम जितना ब्लड डोनेट करेंगे उतना ही हमारी बॉडी में रिन्यूअल ऑफ द ब्लड सेल्स होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो वुमेन की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, और एक मेंटली और इमोशनली हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो ब्लड डोनेट करके हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि वो ब्लड डोनेट करें, जो किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ब्लड डोनेशन आखिर करना कैसे है, कैसे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रामरतन जी हमारे साथ इस वक्त। रामरतन जी, आप ब्लड डोनेशन तो करना चाहते हैं लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म आपको अब तक नहीं मिल पाया? कोई ऐसा ओकेजन नहीं आया जिस पे हमें जो है ना उसकी आवश्यकता पड़े। बाकी दिल से मैं चाहता हूँ, वाकई में इससे बेहतर कोई कार्य नहीं है। लोगों का नज़रिया होता है कि अलग अलग ढंग से लोग अपना भला, लोगों का भला करना चाहते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई डोनेट करता है, कोई दान देता है, कोई दक्षिणा देता है। बाकी मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर बढ़ के यदि देखा जाए तो एक्चुअल में ब्लड डोनेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डोनेट और सेव द लाइफ। और ये कहते भी हैं कि रक्तदान महादान, दान महादान, इसमें कोई निसंकोच, कोई दो राय नहीं। किसी की जिंदगी को बचाने के लिए रक्तदान को महादान यूं ही नहीं कहा जाता। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हमने भी ब्लड डोनेशन की एक पहल की और ब्लड डोनेट किया। तो ब्लड डोनेशन आप देख रहे थे, हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर एक यूथ भी कैसे ब्लड डोनेट कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि आई विल ऑल्सो डोनेट ब्लड, सो
आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर मैं भी ब्लड डोनेट कर रही हूँ और आपको भी ये बता रही हूँ कि आपको भी ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। कोई वीकनेस इससे नहीं होती, कोई भी बीमारी इससे नहीं होती, बल्कि आप किसी की ज़िंदगी बचाने में एक अहम योगदान दे रहे हैं। मैंने तो वो दे दिया, अब आपकी बारी है। इससे कोई कमजोरी नहीं आती और ना ही शरीर पर इसका कोई बुरा असर पड़ता है। अगर हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जहन में भी ये विचार आ रहा हो कि आप भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो आपके आसपास रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब के साथ साथ कई सरकारी संस्थान भी हैं जिनको आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिनके पास ब्लड बैंक के लिए बाकायदा लाइसेंस भी है। तो देर किस बात की, एक पहल आपको भी करनी चाहिए। ये ब्लड डोनेशन सिर्फ इसलिए ताकि किसी और की ज़िंदगी बच सके और इस कार्यक्रम का मकसद ही यही था कि आपको हम प्रेरित कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि आज हमारे इंडिया में जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लड नहीं मिलने की वजह से जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्योंकि आपका ब्लड, आपका खून बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, बहुत से लोगों को इंतज़ार है और ऐसे बहुत से ब्लड बैंक्स खाली पड़े हैं जिनके पास कोई डोनर नहीं है, उन्हें इंतज़ार है आपका। तो उठिए, आज कसम खाइए कि आप ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी एक छोटे से एफर्ट से किसी और की ज़िंदगी बन सके। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद ज़रूर मैं करूँगी कि आप भी आज ही जाएंगे और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर आप भी किसी के लिए ब्लड डोनेट करेंगे और उनकी ज़िंदगी के असल हीरो आप भी बनेंगे।